दोस्तों, अगर आपने अपने फ़ोन में जियो सिम कार्ड लगाया है और आपने जियो नंबर पर जियो ट्यून जियो कॉलर ट्यून सेट नहीं किया है, कैसे आपने जियो नंबर पर अपनी मनपसंद जियो ट्यून जियो कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो, लगा सकते हो, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। या फिर अगर आपने पहले से अपने जियो नंबर पर जियो ट्यून सेट कर रखा है और आप जियो ट्यून जियो कॉलर ट्यून हटाना चाहते हो यानी डीएक्टिवेट करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। अगर आप जानना चाहते हो छोटे से वीडियो को बिना स्किप करें आखिर तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्याश भैया, स्वागत है मेरे रूप नॉल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए प्रॉपर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको व्यू अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, जरूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। बात कर लेते हैं प्रोसेस की। अगर आप जियो सिम कार्ड यूज़ करते हो, अपने जियो नंबर पर कैसे जियो ट्यून जियो कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो, अगर आपने पहले से जियो ट्यून सेट कर रखा है कैसे उसे हटा सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले कैसे जियो ट्यून जियो कॉलर ट्यून जियो नंबर पर सेट करना ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कर लीजिए माई जियो, ये ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट ऐप लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरा पहले से डाउनलोड है, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ और अपने नंबर से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो कैसे आप जियो ट्यून सेट करोगे ये मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा, फिर आपको डीएक्टिवेट करना भी सिखा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है मेनू, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर एक बहुत सारे आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है जियो ट्यून्स, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है जियो ट्यून्स। जैसे आप यहाँ पर जियो ट्यून सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर एक बहुत सारे आपको यहाँ पर म्यूजिक देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देख सकती हो। अगर आपको यहाँ पर अपने मनपसंद गाना नहीं मिलता है, ऊपर यहाँ पर देखिए सर्च करने के लिए ऑप्शन है और यहाँ से अपने गाने को सर्च कर सकते हो, जो भी आप सेट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे ही आपको अपना मनपसंद गाना मिल जाता है, जैसे मुझे ये म्यूजिक सेट करना है, ठीक है, उस गाने के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उस गाने के ऊपर क्लिक करोगे, उस गाने का जो डिफरेंट लाइन्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट लाइन है ये जो गाने का, और यहाँ पर देखिए प्ले बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्ले करके भी सुन सकती हो, और यहाँ पर ये ऑप्शन है सेट के ऊपर क्लिक करके इसे सेट कर सकती हो। अगर आप प्ले करके सुनना चाहती हो, यहाँ पर प्ले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन हमें सेट करना है जियो ट्यून, जैसे मुझे ये लाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये सेट करना है, तो यहाँ पर सेट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप सेट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए जियो ट्यून यहाँ पर सेट हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए इंस्टेंट यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है कि जियो ट्यून यहाँ पर सेट हो चुका है। तो इस तरीके से क्लिक में अपने जियो नंबर पर जियो ट्यून सेट कर सकते हो, अपने मनपसंद गाने को सेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर आपने पहले से जियो ट्यून सेट कर रखा है और आप उसे हटाना चाहते हो, डीएक्टिवेट करना चाहते हो, कैसे करोगे? तो फिर यहाँ पर मेनू के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर एक बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। नीचे ऑप्शन है जियो ट्यून्स, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप जियो ट्यून्स के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर देखिए एक्टिव जियो ट्यून यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी जियो ट्यून आपके जियो नंबर पर एक्टिव होगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डीएक्टिवेट, और ये डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर एक जियो ट्यून हैज बीन डीएक्टिवेट, और यहाँ पर ये इंस्टेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर जियो ट्यून डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी आसानी से अपने जियो नंबर पर जियो ट्यून सेट कर सकते हो और उसे हटा भी सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, फ्री में ये बिल्कुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ज़रूर से वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।